उत्तर प्रदेश के श्रीवास्ती जिले से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर नसबंदी करवाने के 6 महीने बाद ही महिला गर्भवती हो गई। फिर जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो कुछ देर बाद ही नवजात की मौत हो गई। मामला इकोना थाना क्षेत्र के मजरट मटखाना गांव का है। परिवार का कहना है कि नसबंदी के 9 महीने बाद की महिला 3 महीने की गर्भवती है। इसकी जानकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी दी गई थी, लेकिन वक्त रहते इस बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। समुदायिक का स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से लापरवाही बढ़ती गई। जब प्रेगनेंसी के 9 महीने बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया तो 6 घंटे बाद ही बच्चे की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि उन्हें मुआवजा देने की भी बात कही गई थी, लेकिन अब इस मामले पर अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक टकनावा गांव की महिला सुशीला ने बीते साल 2022 में जनवरी के महीने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना में नसबंदी करवाई थी, लेकिन 9 महीने बाद सुशीला के पति रामपूरन को पता चला कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके बाद पति पत्नी अस्पताल पहुंचे, जहां पर पति ने इस मामले की जानकारी स्वास्थ्य कर्मियों को दी, जिसके बाद वहां पर परिवार को मुआवजा दिलाने की भी बात कही गई थी। जी, हमारे बहन को सन 2022 में 25 जनवरी को नसबंदी हमने साथ में करवाने लाई थी। नसबंदी करवाने के बाद कम से कम 9-10 महीना या साल भर के बाद वो प्रेगनेंसी हो गई। उसके बाद उनको पता नहीं चला, 3-4 महीना बाद उनका पता चला। जब पलटी उल्टी आने लगा तो उसने आई यहाँ अल्ट्रासाउंड कराई तो बच्चा पेट में ठहरा। उसके बाद यहाँ डॉक्टर बताएं, आशा बताएं, आशा से बताएं, डॉक्टर से बताएं, कहीं ठीक है जो होएगा है तो अब दवा ववा ना खाओ, सफाई वफाई ना करायो, कहीं हमारे बच्चे की जरूरत ना रहा, हमें बच्चे की जरूरत हो तो हम कहें नसबंदी कराई, कहीं ठीक है अगर बच्चा जो खत्म कर दिया हो तो कुछ मिली ना, और उसके बाद ज़्यादा दिन के बच्चा होएगा है जो दवाई खा ले हो तो आपके जान का खतरा हो सकता है, उसके बाद दवाई ना खाओ, आपका मुआवजा एक मिली, आपकी देखभाल हुई, उसके बाद कहीं ठीक है दवाई ना खाएं, ऐसे ऐसे करत करत कोई कागज ना जमा कहीं, कोई सुनवाई ना है, कहा 2-4 महीना बीत गया, उसके बाद बहुत कहे पहन कागज वगैरह जमा कराए, कहीं ठीक है तो हाथ मुआवजा तुम्हें मिल जाए। 25 तारीख 1 जनवरी 2022 में करवाया था सर, उसके बाद हम लोग निश्चिंत हो गए सर, हम ध्यान नहीं दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे सर जब 8-9 महीने बीत गए, उसके बाद में सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई सर, उसके बाद हम निधरक से कुछ पता नहीं था सर, उसके बाद 3 महीने के बाद पता चला, तो हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए कोना, वहाँ पर चेक कराया सर, तो पता चला हाँ डिलीवरी का मामला है, मतलब वो बच्चे का मामला है। फिर सर बोले जब बुलवाया कि नसबंदी हम लोग ने करवा लिया था, ऐसा कैसे हो गया, तो बोले कि ठीक है अगर ऐसा हो गया है तो उसका तुमको मुआवजा मिल जाएगा। जी, सामुदायिक केंद्र में किसी अधिकारी ने कहा सर, हम उसको जानते नहीं नाम से सर, उसके बाद में बोले कि ठीक है आपको मुआवजा मिल जाएगा। हम फिर सर बोले कि किस दिन आए, तो कहीं ठीक है आप आ जाना किसी दिन, फिर सर ऐसे बोल के हम चले गए वहाँ से। फिर उसके बाद 2-3 महीने बीत गए, आशा से बोले तो आशा ने भी ध्यान नहीं दिया, उसके बाद फिर आए यहाँ तो बोले ठीक है ऐसा करो कागज़ वागज जमा कर दो सर, फोटो कापी करा के अपना, और उसके बाद कागज़ हमने जमा कर दिया और उसके बाद दस्तखत भी करवा लिया और बोले कि ठीक है जाओ अब तुम्हारा काम हो जाएगा, 2-3 महीने 4 महीने के बाद तुमको कुछ पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद कुछ पैसे थोड़े डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे सर। ऐसा करने के बाद उसके धीरे धीरे ऐसे दिन बीतते गए सर, आज फिर क्या नाम 9 महीना हो गया सर उसका डिलीवरी का जो दिन आ गया सर। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।